इधर भारत और कनाडा के बीच आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर बढ़े हुए तनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाकिस्तान के कार्यवाहक पीएम अनवर उल हक काकर तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी दो कदम आगे निकले। उन्होंने निज्जर की हत्या को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए हिंदुत्व से जोड़ दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आतंकी निज्जर की हत्या की तुलना आईएसआईएस से कर दी। अमेरिका में एक इंटरव्यू के समय बेतुका बयान देते हुए उन्होंने हिंदुत्व को पूरी दुनिया के लिए खतरनाक बता दिया। They are becoming emboldened in a manner that they are now going beyond the reach. And this initial unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. उधर चीन के हांगझो शहर में होने वाले 19वें एशियन गेम्स में चीन ने भारत के 3 खिलाड़ियों को एंट्री देने से इनकार कर दिया। अरुणाचल प्रदेश के 3 एथलीट भी एशियन गेम्स में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन उन तीनों वुशु खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया, जिस पर बवाल हो गया। यही नहीं, ये मामला सामने आने के बाद भारत के बड़े अधिकारियों ने एशियन गेम्स के आयोजकों से इस पर एतराज जताया और बयान जारी कर चीन ने भारतीय खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में एंट्री नहीं देने की वजह भी बताई। चीन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक वो अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा नहीं मानता और इसीलिए उसने अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले उन तीनों खिलाड़ियों को एशियन गेम्स में एंट्री देने से इनकार कर दिया। चीन इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के लोगों के लिए स्टेपल्ड वीजा जारी करने जैसी हरकत तक कर चुका है, जिसका भारत ने कड़ा विरोध किया था। इस बीच चीन की तरफ से 3 खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दिए जाने के फैसले के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का दौरा रद्द कर दिया। चीन ने एशियन गेम्स में अरुणाचल प्रदेश की 3 खिलाड़ियों को वीजा देने से इनकार किया और चीन के इस बेतुके फैसले को भारत ने गंभीरता से लिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन के हांगझो शहर में 19वें एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह में जाने की योजना रद्द कर दी और अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को एंट्री नहीं देने के चीन के फैसले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कड़ा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग बताते हुए चीन पर भेदभाव करने का आरोप लगाया और चीन पर खेल भावना का उल्लंघन करने का भी दोष मढ़ दिया। यही नहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन को ये चेतावनी दी कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए उचित कदम उठा सकता है। इधर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी चीन के इस कदम को भारतीय खिलाड़ियों का अपमान करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस मुद्दे पर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से दखल देने की अपील की और इस दौरान किरेन रिजिजू ने चीन के इस रुख पर उसे कड़ा जवाब देने में देरी नहीं की। अरुणाचल हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहने वाले हैं। यही नहीं, किरेन रिजिजू ने यह भी साफ कर दिया कि चीन की इन हरकतों से अरुणाचल प्रदेश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा शामिल हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जापान के विदेश मंत्री योको कामिकावा से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इससे पहले एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में अपने क्वाड सहयोगियों के साथ चर्चा की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक देश एक चुनाव